हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। आज हम लोग बिहार पीसीएस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें जो कि प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है डी। ठीक है, ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। देखिए, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। अंजीरा भी पाकिस्तान में है, दम संबात भी पाकिस्तान में है और किली गुल मोहम्मद भी पाकिस्तान में है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में होती है। जैसा कि मैंने अपना जो वीडियो बनाया है बौद्ध धर्म पे, उस पर मैंने बताया है कि महापरिनिर्वाण के पश्चात चार बौद्ध संगति होती है, जिसमें पहला होता है राजगृह में। ठीक है, तो इसका आंसर है राजगृह। ठीक है, और देखिए, गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति होती है और वैशाली में सर्वाधिक वर्षावास भी होता है और तृतीय बौद्ध संगति भी। ठीक है, तो ये देखिए, राजगृह में पहली बौद्ध संगति, गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, और वैशाली में ही भगवान बुद्ध के सबसे अधिक वर्षावास यही करते हैं वो। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ठीक है, तो किसने किया था? विम कर्टफिसस ने किया था। विम कर्टफिसस ने सर्वाधिक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने की थी? ये आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, आगे आगे का क्वेश्चन पूछा है, सुवर्ण भूमि का यह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से पांच गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वो कौन था? बाल पुत्र देव। ठीक है, इसका आंसर है सी, बाल पुत्र देव। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के किसने लिखी थी या कौन लेखक है इसके? तो देखिए, ये एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसमें से ये चारों लेखक में से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त होता है? तबकात ई नासिरी से। ठीक है, इसका आंसर है बी, तबकात ई नासिरी से। अब देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, तो वनावली से। और धौलावीरा से क्या प्राप्त होता है? लकड़ी की नालियाँ प्राप्त होती हैं और उच्चतम या उत्तम जल प्रबंधन। ठीक है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है और लोथल से प्राचीन बंदरगाह या प्राचीन पतन का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किस वंश से है? महामेघ वंश से। ठीक है, खारवेल का संबंध महामेघ वंश से है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अभी
प्राचीन भारतीय इतिहास से ही क्वेश्चंस लिए हैं बीपीएससी के। ठीक है, पहले हम लोग प्राचीन भारत इतिहास से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मध्य भारत इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आधुनिक भारत इतिहास के। ठीक है, तो एक-एक पार्ट को करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, पहले प्राचीन भारत इतिहास का। ठीक है, देखिए, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो देखिए, इसका आंसर है 515 से 520। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अब देखिए आगे, उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतीपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। ठीक है, अब आगे देखिए, बिहार में ये भागलपुर में है। कहाँ पे है? बिहार में भागलपुर में स्थित है। इंडिका का लेखक कौन है? ठीक है, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, अब देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है। और तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए, मैंने ये आपको पहले भी बताया, कहाँ पे बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। देखिए, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है, ये हम लोग देखते हैं। तो अजातशत्रु के वंश का नाम है हरियंक वंश। ठीक है, हरियंक वंश से संबंधित था। अब आगे देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? तो ये है राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को जब मगध का उत्कर्ष पढ़ाया है तो उसमें बताया है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, इसका आंसर है कुशी नगर में। ठीक है, कुशीनगर यूपी में है और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में, यहाँ कुशी नारा दिया हुआ, ये आधुनिक नाम है। ठीक है, और प्राचीन नाम कुशीनगर था, तो कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किस अभिलेख में, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां हमें जूनागढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखिए, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, और अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इंडिका किसका है? मेगस्थनीज का। और पुराण का कौन है? लोमहर्ष। ठीक है, और राजतरंगिणी कल्हण इसके लेखक है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। और पुराण के लेखक है लोमहर्ष और राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का क्वेश्चन था। अब देखिए, इसके आगे हम लोग
कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।